हाई एवरी वन वेलकम टू अन अकेडमी बच्चों क्या करने वाले हैं केमिकल कामिकल का रिविजन आज हम करने वाले हैं तो मुझे ये यहाँ पे कोई बताएगा किल्दी से ये क्या हो रहा है आज यहाँ चैट बॉक्स में बच्चो चलो मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ ठीक है कुछ तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा हाय ऋ ऋतु गुड आफ्टरनून सारे बच्चे प्रैक्टिस के हिसाब से क्या लेके बैठेंगे हाय वरीशा सारे बच्चे हाँ मेरी आईज एकदम बेटर बेटा एकदम फर्स्ट क्लास तो सारे बच्चे प्रैक्टिस के हिसाब से अपना कॉपी पेन लेके बैठेंगे क्योंकि करीब करीब वन एंड हाफ आवर से पहले ही मैं सेशन क्लोज कर दूंगी दो बज के पांच मिनट हो रहे हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी थ्री थर्टी से पहले हम सेशन को वाइंड अप करेंगे बिकॉज आगे मेरी प्लस की क्लास अलाइंड है ठीक है और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे यानी कि भाई मतलब अच्छे से नहीं करेंगे अच्छे से करेंगे लेकिन थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे ठीक है एंड जो बच्चे मुझे नहीं जानते माई नेम इज़ मोनिका वेदी एम ए केमिस्ट्री एडुकेटर ऑन दिस चैनल आई एम ऑल्सो अमंग टॉप एडुकेटर्स ऑन अकेडमी प्लीज इंश्योर दैट यूर इन दिस टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप में स्कैन सारे सारे कोई कोई तो इसको, इसको करना है नोट्स बनाने, है। बनाने बहुत जरूरी है और तुम्हारे पास इनफ टाइम है बाद में हम लेट हो जाते हैं फिर बच्चे कहते हैं मैं तो मैं मना कर देती हूँ अब नहीं बनाना लेकिन अभी तुम लोगों के पास समय है तो तुम नोट्स बनाओ क्योंकि आपकी पावर आपकी स्ट्रेंथ आपके नोट्स ही होंगे देखना इन फ्यूचर एक बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र आया रान अकेडमी का अनलॉक ट्वेंटी ठीक है इसके अंदर क्या है बेसिकली ट्वेंटी परसेंट ऑफ है सभी तरीके के सब्सक्रिप्शन पे आप इलेवेंथ में हो या ट्वेल्थ में हो या आप जेई की तैयारी करना चाहते हो आप नीट की तैयारी करना चाहते हो आप कोई और चीज़ करना सभी तरीके के सब्सक्रिप्शन पे 20% परसेंट ऑफ है बाय यूजिंग मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी लाइव ये ऑफर 17 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है अगर आपने इसका फायदा उठा लिया है तो बहुत अच्छा और नहीं लिया है तो आप अगर इन फ्यूचर सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहे हैं जो कि कर सकते हैं देर इज़ नो हार्म क्योंकि बहुत अच्छे से सब प्लस पे पढ़ाई होती है टीचर्स बहुत फोकस करके डेडिकेशन से पढ़ाते हैं डी मिलती हैं एक्सरसाइजेस मिलती हैं आपको करनी होती हैं और इस तरह नहीं कि एक्सरसाइज बस मिल गई और वो डिस्कस नहीं हुई अफकोर्स वो सारी एक्सरसाइजेज आपकी जो है वो डिस्कस भी होती हैं तो यार प्लस और जेई नीट में भी आप चाहे तो जेई नीट का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप जेई नीट आपका गोल है तो ठीक है अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं जेई के गोल में पढ़ा रही हूँ ठीक है तो आप ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपको मिलेगा मास्टर ब्लास्टर कोड एम बी यूज करके और ट्वेंटी सेकेंड तक की ऑफर वैलिड है बेटा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हें मैं हर खबर से वाकिफ कराऊं मतलब कुछ भी चीज हो रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए सो दैट इन फ्यूचर इफ यू आर प्लानिंग टू टेक सब्सक्रिप्शन सेव मोर टेन ऑफ ना दस में बहुत फर्क पड़ता है ठीक है तो यहाँ देखो अगर मैं आपको नॉर्मली देखो दो तरह के सब्सक्रिप्शन है प्लस और आइकॉनिक आइकॉनिक में रेज हैंड फीचर एक्स्ट्रा मिल जाता है नोट्स मिल जाते हैं और आपको पर्सनल मेंटर मिल जाता है रेज हैंड क्या होता है मैं बताती हूँ प्लस की क्लासेस एकदम अलग माहौल की होती हैं बहुत अच्छा कनेक्शन होता है और वहाँ पे ना आप अपने एडुकेटर्स से बात कर सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपने एडुकेटर्स से बात कर सकते हो जैसे कि आप अपने क्ला ऑफलाइन क्लासरूम्स में करते हो तो जब वो आपको कनेक्शन मिलता है ना तो आप फिर ये नहीं कहते कि हम इस टीचर को फॉलो करते हैं आप बोलते हैं कि हमारे सर हैं हमारी मैम है हम इनसे पढ़ते हैं तो उस लेवल का कनेक्शन आपको प्लस में मिलेगा जिम्मेदारी बहुत अच्छे से आपकी ली जाएगी कहीं भी कोई कमी नहीं है मतलब कहीं भी कंटेंट वाइज लेक्चर डिलीवरी वाइज डिसिप्लिन वाइज मतलब आप ये देखिए कि आने आने वाले एक एक दो दो चैप्टर्स के कोर्सेज जो हैं वो पब्लिश्ड रहते हैं टाइम टेबल मिलता है टेस्ट होते हैं डी पी पी एक्सरसाइजेस सब मिलती है एवरी थिंग इज सो वेल प्लान कि यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन और बिल्कुल बेझिझक बे, बे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज बता दूं कि सपोज करो आप बारह महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो लेट्स से एक एग्जांपल तो आपको ये थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी एट का सब्सक्रिप्शन है ठीक है मास्टर ब्लास्टर कोड यूज करने में आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है बच्चों ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है ट्वेंटी परसेंट तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब करीब करीब देखो चार हजार रुपए आपके ऑफ हो जाते हैं और ये ये फिगर और भी ज्यादा हो जाता है अगर आप जई नीट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू यूज एम बी लाइफ मास्टर ब्लास्टर कोड ठीक है स्टार्ट करें हाय हाय ऋतुराज हाय लालू यादव चलो शुरू करें हाय मैम माय मॉम इज़ अ बिग फैन ऑफ योर टीचिंग रितु राज की मॉम को मेरी तरफ से नमस्ते चलो जी स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को कॉपी पेन लेके बैठना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में इंट्रोडक्शन केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है स्पीड से चलूंगी क्योंकि पूरा चैप्टर पाँच सेशन में पढ़ाया अब भी पढ़ा के हटी हूँ अभी रिविजन कराने आई हूँ ठीक है अच्छा एक बात और करनी थी यू आर अवेयर ना ऑर्गेनिक चल रही है स्पेशल्स पे जे गोल के स्पेशल क्लासेस में मैं ऑर्गेनिक ले रही हूँ कल उसकी अगली क्लास है शाम को छः से सात प्लीज़ एक बार ही बता दो कि वी आर अवेयर अबाउट ठीक है क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं हम बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं खूब ज़्यादा मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है ना ऑर्गेनिक मुझसे मैं उसको ये वादा करती हूँ कि उसकी ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाने वाली है तो एक बारी मुझे कन्फर्म कर दो बिल्कुल हो जाएगा शानू बिल्कुल हो जाएगा बेटा हमारी स्कूल वाली मैम आपके ऑर्गेनिक नोट्स की तारीफ कर रही थी अरे वाह थैंक यू सो मच थैंक यू बोलना गौरी उनको ठीक है ओके जयी गोल के स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस हैं एम बी लाइव मास्टर ब्लास्टर कोर्स से ओपन हो जाएंगी और आपको हेलोल्केन हेलो रिंग के पांच सेशन हो चुके हैं कल छठा वाला सेशन है कल हम प्रिपरेशन खत्म कर देंगे नॉट ओनली दैट मैं हेलोल्केन और हेलो रिंग के नोट्स एक्सरसाइजेस सब चीज प्रोवाइड करवाने वाली हूँ बच्चों ने मुझे खिताब से नवाजा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वीन अगर बच्चे मुझे ये दर्जा देते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबको ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से सिखाई जाए जिसके लिए आपको एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ेगी आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी आपको मेरी मेंटरशिप की जरूरत पड़ेगी जो कि मैं आपको दूंगी बस आप ये ध्यान रखना कि मैं आप पढ़ा रही हूँ और आप नहीं आ रही ये मत गलती कर बैठना चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स क्या है केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच है साइंस की वो ब्रांच है जो स्पीड के साथ जिसमें हम डील करने वाले हैं जैसे कि जंग वंग लगती है तो बहुत धीरे लगती है इसको हम वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं और ये देखो ये जूस बनने के आधे घंटे में इसका स्वाद

लर्निंग एबिलिटी की स्पीड क्या हो बहुत तेज और भूल जाने की स्पीड क्या हो बहुत ही कम बोलो वाह वाह चैट बॉक्स में हम जो चीज़ें समझते हैं सीखते हैं उनकी स्पीड तो बहुत तेज हो और हम भूल जाते हैं ना वो स्पीड हो बिल्कुल कम तो स्पीड मैटर्स ठीक है बढ़ते हैं आगे रेट्स एंड स्पीड जो केमिकल केमिकल रिएक्शंस कैसे आप एक्सप्रेस करते हो बिटू रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन मतलब आप एक रिएक्शन में कैसे आप आ, स्पीड वाह वाह हो गया रिएक्शन के अंदर आप स्पीड का अंदाजा कैसे लगाओगे कंसनट्रेशन चेंज हो रहा है या तो रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में क्योंकि आप देखोगे ना वक्त के साथ रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है या प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है तो रिएक्शन में चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी स्पीड आप मेजर कर सकते हैं कैसे मेजर कर सकते हैं उसके लिए मैं एक छोटा सा एक रिएक्शन लिखूंगी ठीक है और वो रिएक्शन क्या होगा जो मैं लिख रही हूँ वो आप भी लिखेंगे अपने अपने कॉपीज में ठीक है सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ एन टू प्लस थ्री एच टू बना रहे टू एन तुम्हारी मोनिका माम का फेवरेट रिएक्शन ठीक है एन टू प्लस अब इसके लिए मुझे अगर क्या लिखना है लिखा जाएगा माइनस अरे कौन है भाई ये, ये कौन है चैट बॉक्स में यार? इससे भी तेज तुम लोग स्पैम करो ठीक है ताकि ये ये दब जाए खतरनाक धन 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 तुम भी करो तो एन टू क्या है माइनस डेल एन टू बाई डेल्टी ठीक है ये क्या है एन टू के डिसपेयरेंस की रेट है एन टू किस रेड से खत्म होता है वो है चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एन टू अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज हाइड्रोजन किसी स्पीड से खत्म होता है माइनस डेल एच टू बाय डेल्टी

टू कंप्लीट रिविजन होने वाला है एक घंटे में केमिकल काइनेटिक्स का ये क्या है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ एन टू ठीक है लेकिन अब मैं क्या करूंगी अब मैं इन सबको करूंगी इक्वेट ठीक है इन सबको हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे इक्वेट करते वक्त ध्यान रखें कि हमें स्टोइक्यूमेट्री से डिवाइड करना है जैसे इसकी स्टोईक्यूमेट्री वन है तो कुछ भी मत डालो इसकी स्टोक्यूमेट्री थ्री है तो वन बाय थ्री डालो इसकी स्टोक्यूमेट्री टू है तो वन बाय टू डालो रिएक्टेंट्स के केस में माइनस लिखो प्रोडक्ट्स के केस में प्लस लिखो तो ये जो पूरी चीज़ हो गई अब ये क्या हो गई रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है ये पूरी चीज़ क्या हो गई ये हो गई रेट ऑफ ऑफ रिएक्शन और ये ये पूरी चीज़ क्या हो ये हो गई गई रेट रिएक्शन एक सवाल मेरा आप लोगों से जो कि मैंने कई काफी बार अपनी लाइव क्लासेस में पूछा है तुम चिंता मत करो मैं श्रेया पटेल इट इज नॉट अबाउट वेयर आई विल टीच इट इज अबाउट वेदर आई विल टीच योर नॉट तुम जो पूछो कि मैम आप YouTube पे पढ़ाओगे तो उसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं होना चाहिए कि YouTube पे पढ़ाओगे या स्पेशल्स में पढ़ाओगे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि मैम आप हमें पढ़ाओगे तो मेरा जवाब है कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कुछ कंटेंट YouTube पे होगा कुछ स्पेशल्स में होगा और हो सकता है हमें टाइम मिल जाएगा तो हम उसको ऐसा रिवर्स उल्टा कर लेंगे तो सब जगह सब कंटेंट हो जाएगा तो घबराओ मत मैं हूँ तुम्हारे साथ आप स्पेशल्स पे पढ़ाओगे आप यूट्यूब पर पढ़ाओगे आप यहाँ पढ़ाओगे वहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसे पता है कि आप बात है कि आप पढ़ाओगे ठीक है हाँ अब एक मिनट तुम रुको मेरे को ना मेरी बिल्कुल हाँ मेरी लाइव क्लास चल रही है यूट्यूब पे और यहाँ पे एक बच्चा बहुत खतरनाक लेवल का स्टार्ट है मतलब बहुत ज्यादा कंटिन्यूस है ना आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दो तो काफी कुछ पेशेंस रखे बैठे नहीं जाएगा नहीं जा रहा आदमी <laughs> ऑफिशियल ऑफ उफ, ऑफिशियल ऑफिशियल करके नाम है हाँ, ऑफिशियल ऑफिशियल हाँ, मिस्टर रोहित हाँ, आदित्य आदित्य जेड

नाम स्तुति गोयल हंड्रेड परसेंट तुम्हें मैं नीट का अपना बेस्ट रिजल्ट बताऊं क्या बस मैं कुछ वेट कर रही हूं एक काम के होने की जस्ट अ सेकेंड हाँ क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा वेरी गुड एक्स अच्छा देखो मैं रिटेट हो रही हूँ इस फैमिंग से थोड़ी सी तो मैं इसका कुछ करती हूँ है ना रुको अभी रुको 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 हाँ हाँ बस बस ओके okay. और इधर देखिएगा रेट ऑफ ऑफ़ जो है वो अगर x होता तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा एक्स बायू ठीक है तो इसको एक्स एक्स ना करके इसके ये चेंज कर देते हैं वेरिएबल्स वाई और जेड कर देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है ठीके? तो y बाय थ्री और अगर ये z है तो z बाई टू ठीक है तो रेट ऑफ y है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है Right. इस तरीके से हमें पढ़ना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम आगे बढ़ते हैं वॉट आर द यूनिट्स ऑफ रेट बेटू रेट की यूनिट्स होती है कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स यूनिट ऑफ रेट क्या होती है कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज या फिर प्रेशर टाइम इनवर्स ठीक है प्रेशर टाइम इनवर्स प्रेशर टाइम इनवर्स ऑल राइट आगे मूव करते हैं यूनिट के बारे में देखो कंसेंट्रेशन टाइम इनवर्स मतलब इन जनरल क्या यूनिट होगी यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन वट इज द यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन मोल्स पर लीटर पर सेकेंड एंड वॉट इज द यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कोई भी प्रेशर की यूनिट जैसे बहार रख रहे हो तो बार सेकंड इनवर्स एटमोस्फेयर रख रहे हो तो एटमोस्फेर सेकंड इनवर्स ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को फटाफट से हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दिस कैरिड आउट इ क्लोज द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज फाउंड टू इंक्रीज बाय इतना इन ट्वेंटी सेकेंड्स कैलकुलेट रेट ऑफ पेयर क्विकली मैंने मैंने आज ट्राई कर रही हूँ बेटा थैंक यू मूवी क्रियो हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन दिस इज कैरिड आउट एंड क्लोज वेसल कंसेंट्रेशन ऑफ बीज फाउंड ट इंक्रीज बाय सिक्स इंटू टेन की पर माइनस थ्री मोल पर लीटर ट्वेंटी सेकंड रेट ऑफ अ पेरेंट्स ऑफ बी जल्दी जल्दी निकालेंगे जल्दी जल्दी फटाफट से थ्री थर्टी में हमको सेशन वाइंड अप करना है और कुछ पढ़ के वाइंड अप करना है वॉट इज द आंसर रेट ऑफ अ पेरेंस ऑफ बी क्या है हाय गवेशा हाँ भरत शर्मा आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट बेटा क्यूरियस लाइफ मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना बेटा रेट निकाले कैसे अरे बेटा ये तो रिवीजन क्लास है रेट कैसे निकलता है देखो हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल, वेसिलट्रेशन ऑफ बी इज़ फाउंड टू इंक्रीज बाई इतना इन ट्वेंटी है, ठीक है ठीक है बेटा ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी है ये जो स्पैमिंग uh, हो रही है तो ये टीम ट्राई कर रही है ब्लॉक करने की भर विशाखा हाँ बेटा एवरी वन इज गेटिंग इरिटेटेड पर कोई बात नहीं कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आई डोंट नो किसने किया हुआ ये है ना कोई ऐसा बॉड डाला हुआ है जो सॉल्व ही नहीं हुआ मतलब इसको हटा रहे हैं नहीं, नहीं हट रहा है ठीक है तो डोंट वरी ठीक है अपन थोड़ा मैनेज करके चलते हैं ठीक है लेट मी लेट मी लेट मी लेट मी जस्ट टीच ठीक है ओके okay, चलो तो देखिए हाइपोथेटिकल केमिकल अप और अपन को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता ये मुझे नहीं पता कौन लोग हैं ये क्यों हमारी क्लास खराब करना चाहते हैं पर है ना कोशिश करेंगे कि इससे हमें फर्क नहीं पड़े इग्नोर द चार्ट है ना तुम तो पढ़ाई करो इग्नोर द चार्ट मैं ही तुमको सॉल्व करके दिखा रही हूँ सब करके दिखा रही हूँ जस्ट इग्नोर द चार्ट हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज्ड वेसल द कंसंट्रेशन ऑफ बीज फाउंड टू इंक्रीज बाय इतना इन ट्वेंटी सेकंड बीस सेकंड में कंसेंट्रेशन जो है वो इतनी इंक्रीज हो गई तो आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखनी है बेटा सबसे पहले इस रिएक्शन को हाईलाइट करो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सबसे पहले इस रिएक्शन को हाईलाइट करो टू ए बना रहा है थ्री बी प्लस सी ठीक है अब इसके अंदर माइनस वन बाई टू डेल ए बाय टी ठीक है माइनस वन बाय टू डेल ए बाय टू वन बाई थ्री डेल बी बाई डेल्टी इज इक्वल्स टू वन बाय सी इज इक्वल्स टू डेल सी बाय डेल टी ओके ये आप लोगों ने कर लिया होगा तो अब आपको जो पहली चीज करनी है बेटा फर्स्ट वाली मैच करेंगे यहाँ चैट को इग्नोर करेंगे और आप सिर्फ मेरे आंसर अपना आंसर मैच करेंगे पहली चीज जो करनी है वो है रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी निकालनी है तो रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ बी मतलब आपको ये पोर्शन निकालना ओनली डेलबी बाई टी तो डेल बी ऑफ बाई डेल्टी कैसे निकाल सकते हैं ये लाइन पढ़िए बी की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है इतनी बीस सेकेंड में तो कंसेंट्रेशन चेंज कितना है डेल बी बाईल तो थ्री और बेटू टाइम कितना लगा है इसके अंदर बीस सेकेंड लगे हैं तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, ये हो जाएगा थ्री और ये टेन की पार माइनस तो आंसर हो जाएगा थ्री इंटू की पार माइनस यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर पर लीटर सेकेंड ठीक है सेकेंड अपन को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलता है किससे ये मल्टीप्लाई ये ये करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू वन बाई थ्री इंटू थ्री इंटू टेन की पार माइनस फोर तो ये कट जाएगा आंसर हो जाएगा वन इंटू टेन की पार माइनस फोर मोल पर लीटर चुपचाप आप बैठ के पढ़ाई करिए कोई बात नहीं आ, ऐसी परिस्थितियों में भी मोनिका मैम और मोनिका मैम के बच्चे वॉरियर्स हैं ठीक है थीके? वन इंटू टेन की पर माइनस फोर थर्ड नंबर पे आपको क्या निकालना है थर्ड नंबर पे क्या निकालना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए तो माइनस डेले बाय डेल है भाई माइनस डेले ये किसके बराबर हो जाएगा इस को इधर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा टू बाई ऑफ डेल बी 2 by 3 ऑफ delta v by delta t तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 by 3 ऑफ delta v by delta t की वैल्यू कितनी है अभी अभी हमने निकाली थी 3 into 10 की पार 3 into 10 की पार minus 4 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आ, सेशन को लाइक करें या क्या ही करें पता नहीं लेकिन आप देख लो कि आपका आंसर सही है कि नहीं 2 into 10 की पार minus 4 मोल पर लीटर पर सेकंड इज द

एवरेज के लिए आपको क्या लगता है डेल्टा और इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियब होता है जब ये टाइम इंटरवल जीरो अप्रोच करने लगे तो हम इसी रेट को क्या बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं ठीक है थीके? अब देखो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको पता ना वक्त के साथ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन घटती है यू नो दैट वक्त के साथ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज होती है ठीक है तो डिक्रीज हो रही है तो मेरे को निकालना एवरेज रेट रेटलेट से टी वन और टी टू के बीच में T1 और T2 के बीच में लेट से मुझे एवरेज रेट निकालनी है ठीक है एवरेज रेट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी T1 पे मैं मेजर करूंगी R1 T2 पे भी मैं कंसेंट्रेशन मेजर करूंगी R2 अब मेरे को जब रेट uh, निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगी एवरेज रेट एवरेज रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर दैट चेंज तो बेटा कंसेंट्रेशन चेंज कितनी है आर टू माइनस आर वन कितनी है अपॉन टाइम कितना लग रहा है उस कंसेंट्रेशन को चेंज होने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है तो ये हो गया आपका डेल्टा टी ठीक है तो डेल्टा अपॉन तो ये एवरेज रेट निकालने का तरीका है लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हो तो आप क्या करोगे टेंजेंट खींचोगे टेंजेंट खींचोगे लेट से आपको टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालने है। गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं अपन बोलते हैं ना हां जी ऋतुराज बिल्कुल पीडीएफ प्रोवाइड होगा गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरफ अपन देख के बोलते हैं ना कि यार आ, अभी क्या स्पीड चल रही है वो इंस्टेंटेनियस होती है तो हमें टी टाइम पे अगर रेट निकालनी है तो हम टेंजेंट खींचेंगे और फिर क्या होगा स्लोप विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है स्लोप विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल गिव इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है और अगर आप टेंजेंट थोड़ा लंबा भी खींचेंगे तो थीटा तो आपका वही रहेगा ना थीटा तो आपका वही रहेगा तो आपका इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो टेंजेंट खींच के उसके स्लोप के थ्रू निकल सकता है और एवरेज रेट कैसे निकलेगा आर टू माइनस आर वन अपन टी टू माइनस टी वन अब यूनिट्स ऑफ रिएक्शन रेट आगे हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस हो गया हमारा ये और एक एग्जाम्पल हम करेंगे आप अपने कॉपीज में करिए वीडियो को पॉज करिए फिर अपना आंसर चेक करिए दिस इज द ओनली सोल्यूशन फॉर टूडे कंसिडर द रिएक्शन दिस इन द रिएक्शन आई नोटू इज बींग फॉर्म एट द रेट ऑफ इतना वॉट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट टाइम जल्दी से करेंगे और फटाफट से करके मुझे दिखाएंगे जल्दी से ये कोई बंदा नहीं है ये कोई किसी ने निशा कोई बोट लगा रखी है जिसको टीम जो है वो नहीं कंट्रोल कर पा रही है अरे वो टीम कंटेनसली काम कर रही है इस पे बेटा इसका आंसर बता सकते हैं जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे अरे वाह हो गया अब हो गया डन सी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही इसका आंसर सी आ रहा है कैसे आ रहा है देखो

ठीक है फोर एनओ टू प्लस टू अब इसके अंदर एनओ टू इज बींग फॉर्म तो इसके लिए पहले हम एनओ टू के बारे में बता रहे हैं कि इस मतलब व्हाट इज अ रिएक्शन रेट एट दैट टाइम तो बेटू एनओ टू के बनने की रेट जो है जिसको हम डेल एनओ टू बाई डेल टी लिखेंगे डेल एनओ टू बाई डेल्टी लिखेंगे ये तो एनओ टू के बनने की रेट है और अगर मैं इसमें वन बाई फोर ऐड कर दूं तो ये रेट ऑफ़ रिएक्शन हो जाएगा तो आपको एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है ठीक है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ़ रिएक्शन होगा वन बाई फोर्थ ऑफ रेट ऑफ एनओ टू का बनना एनओ टू किस रेट से बन रहा है एनओ टू बन रहा है जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव ज़ीरो डिवाइडेड बाई रेट ऑफ जीरो काटापिट्टी करो आपका आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो सी विल बी द करेक्ट आंसर अब एनसीआर के दो सवाल लगाएंगे क्योंकि ये है, तो इसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं

करके दिखाओ ये आपको समझ में आ रहा है ये बहुत ही सिंपल है एवरेज रेट एवरेज रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा सी बाय डेल्टा टी और क्योंकि ये रिएक्टेंट के टर्म्स में है तो आप माइनस भी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा माइनस और फिर अंदर क्या करेंगे पॉइंट जीरो

इट्स अ वन शॉट ना ना अगर किसी बच्चे को बिल्कुल भी काइनेटिक्स नहीं आता है ना, तो मैंने अभी रिसेंटली पांच सेशंस लिए आप लोग कहोगे तो मैं उसको स्टिच करवा के मैराथन करवा दूंगी दूंगा बहुत डिटेलिंग हुई है आज मैं सिर्फ रिवीजन के पर्पज से आई हूँ ताकि तुम्हारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो सके और वन शॉट तुम्हारा रिविजन हो जाए अगर आप बिल्कुल ही नहीं जानते केमिकल काइनेटिक्स तब आपके लिए सेशन को समझना मुश्किल हो जाएगा इनर रिएक्शन टू बना रहा है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ इट फ्रॉम पॉइंट फाइव टू पॉइंट्रेशन चेंज कितना हुआ? कितनी देर में हो गई दस मिनट में हो गई तो ये टेन तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो पर लीटर पर मिनट आया सबका आंसर मैच हो रहा है द आंसर मैच यू कैन ऑल्सो लाइक द सेशन हम्म चलो बढ़ते हैं आगे अब कौन कौन से वो फैक्टर्स है जो रिएक्शन रेट को इफेक्ट करते हैं तो बेटा फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी ठीक है कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो कोलिजन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी आपको तो है है ना केमिकल केमिकल पूरी कोलिजन टिकी पड़ी है। ही कहती है कि कर मारेंगे तब प्रोडक्ट बनेंगे तो अगर आप कंसेंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो टकरे बढ़ जाएंगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रेट है वो इंक्रीज होगी जितनी ज्यादा टकरे उतनी ज्यादा इफेक्टिव टक्कर यानी इफेक्टिव कोलिजन और उतना ज्यादा रेट टेम्परेचर बढ़ाने से काफी रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है कुछ रिएक्शन

देन रेडिएशन या लाइट कोई भी फोटो सेंसिटिव रिएक्शन जो होती है वो लाइट या रेडिएशंस की प्रेजेंस में फास्ट हो जाती है अब हमारे कोर्स में क्या है एक कंसेंट्रेशन है एक टेम्परेचर है नेक्स्ट हाफ एन आवर में कंसेंट्रेशन कराने वाली हूँ उसके बाद पंद्रह मिनट में टेम्परेचर करवाने वाली हूँ ठीक है क्योंकि अगला कंटेंट हमारे यही कि हाउ कंसनट्रेशन एफेक्ट केमिकल का आई मीन रेट ऑफ रिएक्शंस एंड हाउ टेम्परेचर एफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन सो हम बढ़ते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग रिएक्शन रेट में कंसेंट्रेशन किस तरीके से बेटा एक चीज सोचो एक चीज सोचो थैंक यू सो मच महक बेटू थैंक यू बेटा कोई बात नहीं सालवी दीक्षित बेटू कोई बात नहीं बट ये एक रिवीजन क्लास है इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे हाय अंश तुम सबने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर मैं उसी हिसाब से रिवाइज कराने आई हूँ तो देखो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कोलिजन ही कम होंगे तो तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी भी कम बनेंगे। अगर तो भी बनेंगे। अगर ज़्यादा ज़्यादा होंगे, कई बार हमको जब दूध मीठा करना होता है मम्मी सुबह सुबह दूध लाके के भेजती है ना स्कूल भेजती है तो दूध के अंदर क्या करती है खूब सारी चीनी डाल के उसको दो चार बार घुमाएगी तो भी मीठा हो जाएगा इतनी सी चीनी घोलने में टाइम लगेगा कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ाते हैं

केमिकल इक्वेशन देखो उसकी उसकी यानी कि कि उसके आगे जो जो डिजिट्स लिखी होती है है वो चेक करो और उसको पावर्स में टिका दो ठीक गलत मैं H2 plus I2, 2HI बना रही हूं. तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूंगी तो मैं कैसे लिखूंगी मैं लिखूंगी रेट इज प्रपोर्शनल टू सीधा सीधा एच टू आई टू क्योंकि दोनों को वन वन स्टोईक्यूमेट्री है ना दोनों को वन वन स्टोई है तो आप कह देंगे कि भैया ये ऐसे डिपेंड है रेट जो है वो कंसेंट्रेशन पे इस तरीके से डिपेंडेंट है रेट कंसेंट्रेशन पे इस तरीके से डिपेंडेंट है

कि ऐसे टीपाटा भी करने से काम नहीं चलेगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी और बना लिया एक्सप्रेशन माना कि स्पीड या रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्योंकि कंसेंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ते हैं कॉलिजंस बढ़ाने से प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनने जितनी अटकरे लगेंगी उतनी जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स बनेंगे माना यह सही है लेकिन इस तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टोईक्योमेट्री टीप के एक्सप्रेशन बनाना सही नहीं है किस तरीके से कैसे रेट डिपेंड कर रहा है कंसेंट्रेशन पे उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ठीक है एस्टैब्लिश्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा कि एक्चुअल डिपेंडेंस रेट की कंसेंट्रेशन पे कैसे है तो ऐसे में अगर मैं एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिखूं प्लस बी बी क्या बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है क्या बना रहा है? Product बना रहा रहा है है प्रोडक्ट तो इसकी इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन में मैं ये लिखूंगी कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एक्स एंड बी रेज टू द पावर वाई अब आप कहेंगे मैम एक्स और वाई कहां से आए तो मैं कहूंगी एक्सपेरिमेंट करके आए हमने एक्सपेरिमेंट किया हमने पता लगाया कि भैया ए में कोई कंसेंट्रेशन चेंज करते हैं हम तो रेट पे क्या बदलाव आते हैं वो यहाँ से, है से, से पता, लगा के लाए हैं। हमने हमें ये पता चला कि किस तरह डिपेंडेंट है क्या बोला जाता है बच्चों वट इज दिस कॉल्ड एज इसी x प्लस वाई के सम को क्या बोला जाता है सॉलिड्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल ऐसा करूं मैराथन बनवा दूं सारे चैप्टर्स का जो अभी अभी 2023 के बच्चों के लिए करवा रहे हैं मैं मैराथन स्टिच करवाती हूँ सबका चिंता नहीं करो हाय सुबी शब्बा शंशिका गुप्ता गौरी कपूर वेरी गुड इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ठीक है मुझे पता है बहुत ऐसे टेंशन सी हो रही है कि ऐसा तो नहीं कि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो रिवीजन कराने आई हूँ ना मैंने तुम्हें वादा किया मैं ट्वेल्थ तुमको अच्छे से ही पढ़ाऊंगी तो जो चैप्टर पढ़ा पढ़ाते उसका रिविजन क्या ऑर्गेनिक उधर स्टार्ट होगी उसके भी रिविजन यूट्यूब पे हो जाएंगे लेकिन साथ ही साथ मेरे को ऐसे टेंशन लग रही थी मैं पता नहीं इनको ढंग से आता भी है कि नहीं आता है चैप्टर है ना वैसे तो हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है अब रेट लॉ में सम पावर आती सम पावर जो तुमको यहाँ से नहीं पता लगती वो तुमको कहाँ से पता लगती है एक्सपेरिमेंट करने से तो लेट से देखो एन टू ओ का डिकम्पोजिशन हो रहा है एन टू ओ टू में तो उसके लिए जब रेट लॉ लिखा तो हमने एन टू ओ को क्या पावर लगाई है वन पावर लगाई है इधर तो टू है तो मैच तो नहीं हुई ना मैच तो नहीं हुई क्यों मैच नहीं हुई क्योंकि जब आपने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया ना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया तब आपको ये पता लगा कि यार एन टू को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाती है एन टू को डबल करते हैं तो रेट डबल हो जाती है एन टू को हाफ करते हैं तो रेट हाफ हो जाती है एन टू को वन फोर्थ करते हैं तो रेट वन फोर्थ हो जाती है एन टू को फोर टाइम्स करते हैं तो रेट भी Four times हो जाती है तो एन टू के साथ जो करते हैं वो रेट के साथ होते तो पावर तो वन ही होगी ना डू यूट मी टू प्रूव दैट पावर तो उसकी क्या होगी? वन होगी? ठीक है तो जैसे suppose करो कि मैं कोई करवा रही जिसकी R1 की value है पावर वन ठीक है अब सपोज करो मैंने कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया तो मैंने K के आगे ब्रैकेट में अंदर टू एक्स रेस टू पावर वन कर दिया ठीक है

अब मैंने क्या किया कंसनट्रेशन को डबल कर दिया के और मैंने कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया ठीक है अब टू रेस टू द पावर टू क्या हो गई आर टू इधर टू के टू का स्क्वायर में कहा ले आती हूँ बाहर ले आती हूँ देखो टू का स्क्वायर में बाहर ले आती हूँ टू है और फिर बाकी छोड़ देती हूँ के एक्स का स्क्वायर इसका मतलब इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ एक्स का स्क्वायर तो रेट वन है तो फोर टाइम्स ऑफ आर वन तो आर टू इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ आर वन तो कंसेंट्रेशन को अगर बेटा हम डबल कर रहे हैं डबल कर रहे हैं और उससे रेट चार गुनी हो रही है देन इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कंसेंट्रेशन को डबल करने से रेट अगर चार गुनी हो रही है तो क्या होगी ये आर्यन तेरे को एक सलाह दू मैं नीट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का अलग से तो बैच नहीं आएगा लेकिन मैं एक बात की गारंटी दे रही हूँ मैं इलेवेंथ को पढ़ा जरूर रही हूँ जेई गोल पे तो वहाँ पढ़ ले मुझसे पूरा कोर्स पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाऊंगी और एक लेवल ऊपर पढ़ाऊंगी ठीक है एक लेवल ऊपर पढ़ाऊंगी जब हमें टेन माइल्स तय करनी है ना तो बारह माइल्स चलने में कभी कोई बुराई नहीं होती आर्यन अगर हमें दस माइल्स तय करनी है ना तो ट्वेल्व माइल्स अगर हम प्लान कर लेंगे तो उसमें बुराई नहीं होगी दस तो कंप्लीट हो जाएंगी कहने का मतलब अगर आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उधर आओ कंटेंट वही रहता है न्यूटन न्यूटन लॉज ने अपने लॉ नीट और जेई के हिसाब से अलग अलग नहीं बनाए और केमिकल काइनेटिक्स ने जो आपका रेट लॉ है वो नीट और जेई के हिसाब से अलग अलग नहीं बनाया वो का वो कंटेंट है वो के वो एमसीक्यूज वो की वो अप्रोच वो की वो शॉर्टकट्स सिर्फ दो अलग एग्जाम्स दैट्स इट मेरा सब्जेक्ट कॉमन है तो तुम मुझसे कहीं भी पढ़ सकते हो जहां मैं पढ़ा रही हूँ बस तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ पाओगे ठीक है तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन देखो इसमें वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका सेकंड ऑर्डर अब इधर देखो इसके अंदर रेट लॉ ये पावर का सम करोगे तो क्या आएगा थर्ड ऑर्डर तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है दिस इज सेकंड ऑर्डर पर कोई जरूरी नहीं है कि वो स्टोक्योमेटरी से मैच हो देखो इसकी स्टोक्योमेट्री टू है जबकि ऑर्डर क्या है जीरो ऑर्डर ठीक है तो वॉट इज ऑर्डर वॉट इज ऑर्डर हाई सुप्रिया थैंक यू बेटा ऋतुराज तो वॉट इज ऑर्डर ऑर्डर इज दैट पैरामीटर जो कि ये तय करता है कि किस तरीके से कंसेंट्रेशन चेंज जो है वो रेट को इफेक्ट करती है किस तरीके से कंसेंट्रेशन चेंज रेट को इफेक्ट करती है कंसेंट्रेशन आपने क्या किया आपने कंसेंट्रेशन डबल किया रेट भी डबल हुआ फर्स्ट ऑर्डर आपने कंसेंट्रेशन को डबल किया रेट चार गुना हो गया सेकेंड ऑर्डर आप कंसेंट्रेशन को डबल करेंगे रेट आठ गुनी हो जाएगी थर्ड ऑर्डर आप कंसेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं रेट का कुछ नहीं उखड़ा जीरो ऑर्डर तो ऑर्डर क्या है ऑर्डर एक पैरामीटर है जो कि कंसेंट्रेशन चेंज का रेट पे इंपैक्ट नापता है लेकिन वैसे बाय डेफिनेशन इट इज सम ऑफ द पावर टू विच देशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ठीक है चलो अब यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट पे काम कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट में सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसको याद है वो चैटबॉक्स में लिख दे जीरो ऑर्डर रिएक्शन ठीक है बॉक्स में लिख दो बेटा यूनिट क्या होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम लिखेंगे क्या हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के के की यूनिट निकाल रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर जीरो इसका मतलब रेट इज इक्वल्स टू के इसका मतलब जो रेट की यूनिट है वही के की यूनिट है तो के की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड ठीक है या पर मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम ठीक है मैम आपके चरणों में सादर प्रणाम अरे नहीं बेटा आप शायद मुझे जानते नहीं हो लेकिन आप वो हो जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी लास्ट ईयर आई क्रैक जे एंड ऑल बिकॉज ऑफ योर क्या बात है सिद्धांत थैंक यू सो मच बेटा थैंक यू सो मच क्यूरियस वन शॉट मत देख मैं तेरे लिए स्पेशली मैराथन स्टिच करवा देती हूँ टेंशन मत ले और बहुत सारे बच्चों का भला हो जाएगा तो मेरी पांच क्लासेस हैं वो करीब करीब

वेरी गुड वरीशा अंशिकता गुप्ता ये सारे बच्चों के नाम मेरे को बहुत अच्छे से याद रहते हैं वेरी गुड सेकेंड यूनिवर्स कैसे आया कैसे आया ये ये आया रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्ट एंड कंसेंट्रेशन रेस टू दावर वन ठीक है और फिर क्या होगा के की यूनिट हो जाएगी रेट की यूनिट अपॉन रिएक्टेंट की की यूनिट ठीक है रेट की यूनिट यूनिट होती है मोल पर पर लीटर और ये इसकी हो जाएगी कंसेंट्रेशन की मोल पर लीटर मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कट जाएंगे यूनिट आ जाएगी सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स चाहे वो मिनट इनवर्स हो चाहे आर इनवर्स हो चाहे ईयर इनवर्स में भी आ जाती है ठीक है तो अब एक बात बताओ

कंसेंट्रेशन रेज टू द पावर टू तो के की वैल्यू क्या होगी रेट अपॉन कंसेंट्रेशन रेस टू पावर टू रेट क्या है पावर टू एक से मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स ठीक है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स लेकिन बेटा ऐसे काटा बेटे तुम कब तक करते रहेंगे कोई तुमको हाफ ऑर्डर रिएक्शन बोले तो कोई तुम्हें थ्री फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बोले तो कोई तुम्हें वन फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बोले तो ठीक है कोई तुम्हें फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन बोले तो तो ये तो बिना बात का लंबा लंबा सोलूशन हो रहा है तो इसके वजह ऐसा ना करें कि हम एक शॉर्टकट याद कर ठीक है ठीक है एक शॉर्टकट याद कर लेते हैं हालांकि एम्बिट्रिक नहीं है तो बहुत जगह मिल जाएगी तुमको फिर भी मैं ऐसी प्रेम से लिख देती हूँ एम्बिट्रिक ठीक है तो ये हो जाएगी आपका यूनिट ऑफ के यूनिट ऑफ के इज इक्वल्स टू मोल वन माइनस एन लीटर सेकंड इनवर्स एन की वैल्यू क्या है एन इधर ऑर्डर है ठीक है तो जिस भी ऑर्डर का तुमको यूनिट ऑफ के निकालने को बोलोगे तुम ये रट लो मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड इनवर्स ठीक है क्लियर हाँ अंकिता ठीक है क्लियर तो ये हो जाएगा आपका एंथ ऑर्डर रिएक्शन के, के की यूनिट का बहुत ही प्यारा सा शॉर्टकट जो कि एस्टेग एम्बी ट्रिक नहीं है लेकिन आज एस्टेग एम्बी ट्रिक के नाम से गया है ठीक है ये वाला करो फटाफट से जल्दी से ये कौन सा ऑर्डर है ऑर्डर तो ये पावर चिपका देना ये पावर को एज ऑर्डर चिपका देना इस पावर को एज ऑर्डर चिपका दो कौन सा ऑर्डर है अपने अपने कॉपीज में सॉल्व करेंगे ऑर्डर है सेकंड सेकेंड ऑर्डर और यूनिट हो जाएगी लीटर पर मोल पर सेकेंड लीटर पर मोल पर सेकेंड जीरो की जीरो ऑर्डर की मोल पर लीटर पर सेकंड सेकंड ऑर्डर की लीटर पर मोल पर सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर की सेकंड इनवर्स ये क्या है आपका लीटर पर मोल पर सेकंड क्योंकि सेकंड ऑर्डर है ये क्या है थ्री बाय टू ऑर्डर है तो भाई साहब ये तुम्हें ही करना है ठीक है ये तुम्हें ही करना है तुमको यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री बाय टू डाल वन माइनस थ्री बाई टू यानी माइनस हाफ थ्री बाई टू माइनस वन यानी प्लस हाफ सेकंड इनवर्स यानी मोल माइनस हाफ लीटर प्लस हाफ सेकेंड इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा उसके बाद में ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेकेंड इनवर्स ठीक है क्लियर ये वाला क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन देखो तो, like साबिना खातून लॉट आपकी वजह से मेरी केमिस्ट्री क्लास के ट्वेल्थ दोनों अच्छी गई और आपने जो भी पढ़ाया था वही आया था बट एम डिप्रेस बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री मेरे नहीं हो रही नीट के लिए बेटा तू तो प्रैक्टिस कर अच्छे से हो जाएगी फिजिकल सुन एक आइडिया तू साबिना खातून

तो देखो फॉर द रिएक्शन दिस रेट इज इक्वल टू दिस रेट दे रखी है इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है जब ए की कंसेंट्रेशन दे रखी है बी की कंसेंट्रेशन दे रखी है कुछ नहीं फॉर्मुला वगैरह सब हमको पता है देखो रेट इज इक्वल टू के ए बी रेस टू द पावर टू ठीक है अब वो कह रहे हैं कि के की वैल्यू कितनी है? डाल दो यहां से देख के टू पॉइंट जीरो इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स सपट दे रखिए क्वेश्चन के अंदर के की वैल्यू कंसेंट्रेशन ए की कितनी दे रखी है ए दे रखिए जीरो पॉइंट वन बी दे रखा है जीरो पॉइंट टू का होल स्क्वायर सॉल्व कर लो रेट आ जाएगा ये आपका फर्स्ट पार्ट है ठीक है फिर वो ये भी पूछ रहा है कि यार तब रेट निकालो जब ए पॉइंट जीरो सिक्स हो चुका हो ए पॉइंट जीरो सिक्स टू ए प्लस बी बना रहा है बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो इसको जरा ध्यान से देखना कि यार इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी ए की थी और बी की इनिशियल खत्म हो रहा है तो बी के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है किसी और गधे घोड़े के साथ थोड़ी ना रिएक्ट कर रहा है बी भी तो खत्म होगा मेरी थाली में, में रोटी खत्म कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली खत्म होगी ना ठीक है ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई मेरे को मतलब रोटी खत्म होती जा रही है सब्जी मेरी बिल्कुल वहीं की वहीं पड़ी है तो जब दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम होगा अब तुमको स्टोईक्यूमिटरी से चेक करना है कि वो कितना कम होगा हर बार जब इसके दो मोल कम होते हैं तो इसका एक मोल कम होता है हर बार जब इसके दो मोल कम होते हैं तो इसका एक मोल कम होता है तो जब इसके पॉइंट जीरो फोर कम हुए क्योंकि पॉइंट जीरो फोर ही हुए होंगे तभी तो पॉइंट जीरो सिक्स बचा है ठीक है तो इसके भी तो 0.02 पॉइंट जीरो टू मोल्स खत्म हुए होंगे टू पॉइंट जीरो इंटू टेन की पर माइनस सिक्स और इस बार कंसेंट्रेशन ए की कितनी है 0.06 और बी की कंसेंट्रेशन कितनी है 0.18 का होल स्क्वायर समझ में आ गया तो थम्सअप कर देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं प्रोसीड करूंगी फॉर द ये तो हो गया ना रिमोट खराब हो गया क्या ये मैं आगे कर रही हूं ये पीछे जा रहा है हाँ ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज द रेट एक्सप्रेशन ऑर्डर बताओ जल्दी से कॉमा लगा के लिख दो फटाफट ऑर्डर जल्दी से तेजस्विनी हेलो मैम एम एयर ओल्ड स्टूडेंट था वो यू जस्ट मिसिंग एडुकेटेड लाइक यू लव यू तेजस्विनी <laughs> मिस यू बेटा आज सारे मेरे को लग रहा है मेरे पहले के बच्चे आ गए डीएनएफ ब्लॉक का कोर्स आज ही लेट इवनिंग लॉन्च कर दूंगी बेटा मैं कल तक आ जाएगा लाइव स्वाति चिंता मत कर कर दूंगी बेटू और कल तुम्हारी क्लास है हेलोल्केलोलिन की कल छह बजे लगा दी मैंने ये कहाँ बढ़ गया आगे ये तो करा दिया था ना तुमको मैंने ये करा दिया ये कर। कहीं चला गया ये हाँ कौन सा ऑर्डर रही है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट फटाफट बताओ

ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसकी से से, बताओ कि कौन 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 सा 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 है, है है तो कौन है? लगा के लिख दो फटाफट ऊपर और नीचे वाले का, सा जल्दी से? सारे बच्चों ने सही किया रिविजन ट्वेंटी फर्स्ट को हंड्रेड गुड क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ बेटा टॉप क्वेश्चंस ट्वेंटी फर्स्ट को सुबह साढ़े नौ बजे हाय ऋषभ गोस्वामी कैसा है बेटा टू एंड वन गॉड ब्लेस यू ऋषभ ये सेकंड ऑर्डर है और ये बेटू फर्स्ट ऑर्डर ठीक ठीक है second order first order. ठीक है ऑर्डर ऑर्डर फर्स्ट क्योंकि हमें लीटर पर मोल पर सेकंड जो है वो सेकंड ऑर्डर का यूनिट होता है और सेकंड इनवर्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है अब ये करो फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी बना रहे प्रोडक्ट रेट लॉ इज गिवन बाय दिस ये तो इजी है देखो ये ढाई ऑर्डर रिएक्शन है मतलब फाइव बाय टू कैसे आया बस आपको पावर्स एड करनी है ऑर्डर निकालने के लिए कुछ नहीं करना वंस यू गेट टू नो द ऑर्डर तो मोल वन माइनस एन लीटर एन माइनस वन सेकेंड एन वर्स में एन की वैल्यू वो ऑर्डर डाल देना तो यूनिट ऑफ के भी आ जाएगा ठीक है तो ऑर्डर ऐसे आ गया नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स टू बाई फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज टू थ्री टाइम्स ये बताओ मुझे सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है

तुझे बहुत ढूंढती हूँ चलो बढ़ते हैं आगे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जरा फॉर अ रिएक्शन जो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ऑर्डर ऐसे पता नहीं चलता है तो एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है जरा पता चल जाए फॉर अ रिएक्शन दिस द फॉलोइंग इनिशियल द फॉलोइंग इनिशियल रेट्स फॉर ऑप्टेंट एट वेरियस इनिशियल कंसेंट्रेशन फॉर द रिएक्शन दिस द फॉलोइंग इनिशियल रेट्स वर रेटेन फॉर वेरियस इनिशियल द द रेट लॉ रिएक्शन इज जल्दी जल्दी बताओ द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज याद है ना अगर गला खराब हो जाए तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों डॉक्टर से इलाज नहीं लेना पता नहीं चलेगा किसका लगा होम्योपैथिक को स्टॉप करो एलोपैथिक का इलाज ले रहे हो तो एलोपैथिक को स्टॉप करो होम्योपैथिक का इलाज ले रहे हो तो तब एक एक का इफेक्ट पता लगता है इवलीन सारे बच्चे मेरा टेस्ट ले रहे हैं मैं किसी को नहीं भूलती हूँ बेटा हम्म क्या न सीआर सी है स्नेहा का सीआर है अंश का सीआर है हेमा झा का सीआर है चलो मैं देख लेती हूँ जब ये कांस्टेंट है पहले इसको ले, ले लेते हैं जब डी कांस्टेंट है तो इसको डबल किया कॉन्स्टेंट है इसको डबल किया इसको डबल करने से कितना गुना हो गया का तो ये तो मुझे वो लग रहा है अपना कितना टाइम्स फोर टाइम्स दिखाई दे रहा है पॉइंट फोर सिक्स जो है फोर टाइम्स तो डबल कर से फोर टाइम्स तो फिर ए के रिस्पेक्ट में तो सेकेंड ऑर्डर हो गया ठीक है और फिर इसको कॉन्स्टेंट किया इसको हाफ किया इसको हाफ किया तो ये भी हाफ हो गया इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर ए टू बी वन कौन सा है, A2, C C रही है ना अच्छे से प्रैक्टिस सेशन को भी लाइक कर दो नेक्स्ट है मॉलिक्यूलरिटी सिंपल बात बोलू कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ भिड़ेंगे कि प्रोडक्ट बन जाए कितने मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ टक्कर खाएंगे कि प्रोडक्ट बन जाए इज मोलिक्यूलिटी डेफिनेशन पढ़ो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज विच मस्ट कोई टीचर जो है वो तुमको खड़ा के क्लास में तुम्हें खड़ा करके क्लास में सवाल है बेटा मोलिकुलेरिटी क्या होगी और तुम बोलते हो कितने एक साथ भिड़े कि प्रोडक्ट बन जाए तो ऐसे एक्शंस मत करना उनको बोलना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट बोलनाटिंग जवाब देना मेरे जैसे हरकतें मत करना ठीक है तो ये देखो इसमें तीन एक साथ भिड़े प्रोडक्ट बन गया तो इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी अब जो आपकी दो तरह की रिएक्शन होती है तो एलिमेंट्री एक कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री में क्या होता है सिंगल uh, स्टेप और कॉम्प्लेक्स मल्टीपल स्टेप तो ऐसे माना जाता है कि एलिमेंट्री स्टेप में जितने रिएक्टेंट्स होते हैं वही तो भिड़ेंगे तो इसमें एक है तो इसकी मोलिकुलैरिटी भी एक है इसमें दो है तो इसकी मोलिकुलैरिटी भी दो है रिपीट वंस अगेन एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जितने होते हैं मॉलिकुलैरिटी भी वही होती है ठीक है मॉलिकुलैरिटी भी वही गौरी बेटा थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि ऐसे में इतना मल्टीपल चीजें नहीं चला सकती अभी मैं वहां करवा रही हूँ ना ऑर्गेनिक खेलोल के नेल तो थोड़ा सा वो पढ़ लो अभी क्योंकि उसकी बहुत फ्रिक्वेंट क्लासेस हो रही हैं स्पेशल्स पे ठीक है निशा गिरी मैं तो आपकी तरह करूंगी खचाक <laughs> तो ये इसकी मॉलिकुलरिटी क्या है वन इसकी मॉलिकुलरिटी क्या है टू अच्छा मोलिकुलरिटी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है तो फिर वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती ऐसा नहीं हो सकता डेढ़ बढ़ गई दो बढ़ गई आधा बढ़ गया पौने दो बढ़ गए ऐसा हो तो ही नहीं सकता तो ये कैसा होगा इट कैन नॉट बी जीरो एंड इट कैन नॉट हैव इंटीग्रल वैल्यू ना तो जीरो हो सकता है कि कोई नहीं बिड़ा और प्रोडक्ट बन गया भाई ऐसा नहीं होता तो ना तो जीरो हो सकती है ना इंटीग्रल हो सकती है और एक थ्योरटिकल कॉन्सेप्ट अभी किसने देखा कि एक साथ कितनी बिड़ी तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ठीक है एंड ये इसकी डेफिनेशन है ऑर्डर की डेफिनेशन सम ऑफ द पावर्स टू विच द टर्म्स आर रेज्ड इन रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑर्डर क्या चीज है सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डिटरमिनेशन से आता है अभी भी किया था अपन ने ये क्या था देखो एक्सपेरिमेंट देख के ऑर्डर

रेट नहीं बदलेगा तुम कंसेंट्रेशन डबल कर दो रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा ट्रिपल कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ा आधा कर दो कुछ फर्क नहीं पड़ा रेट अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलता रहता है ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जिनकी कोई जिनके पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेट कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो घटा रहे हो ठीक है अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करवाती हूँ इंटीग्रेशन करना सिखाती हूँ फटाफट पढ़ से देखिएगा कैसे किया जाएगा शुरू किससे करेंगे अपन शुरू करेंगे रेट लॉ से रेट लॉ क्या कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन एट एनी टाइम रेज टू द पावर जीरो यानी कि माइनस डी आर बाई इज इक्वल्स टू के आर रेज टू द पावर जीरो ठीक है अब एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन जस्ट टू इट है ना और कोई भी चीज को जीरो पावर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा उसको हटा दो उसको वो तो वन हो जाएगा ठीक है अब क्या हो जाएगा माइनस डी आर इज इक्वल्स टू एडी टी माइनस को उधर पहुंचा दो जस्ट रिमूव माइनस फ्रॉम हेयर एंड पुट इट देयर ठीक है अब क्या करो इंटीग्रेट कर दो इंटीग्रेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या होता है वाई इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड क्या होता है जेड इंटीग्रेशन ऑफ डी गोवर क्या होता है गोवर और इंटीग्रेशन ऑफ डी आर क्या होगा आर तो ये आंसर आएगा आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सम कॉन्स्टेंट अब उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको टाइम टी पे निकालनी पड़ेगी ठीक है फाइंड द वैल्यू फाइंड वैल्यू ऑफ टी एट

जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो मेरे बच्चों कंसेंट्रेशन को हम क्या बोलते थे इनिशियल तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी ना आर नॉट हो जाएगी प्लस आर नॉट ठीक है आर तो नॉट इसका मतलब माइनस के टी को इधर ले आओ के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी ठीक है ये यह यहां से टी रिमूव कर रही हूं मैं और सीधा सीधा के का एक्सप्रेशन ला रही हूं तो ये क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर अपॉन टी फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम इज कांस्टेंट यही तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन रिएक्टेंट कंसनट्रेशन पे तो निर्भर ही नहीं करता ना तो चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम टेकन इज़ जीरो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन

बाई डी टी equals टू के आर ठीक है इस माइनस को प्लस कर दो इधर माइनस लगा दो ठीक है तो डी आर अपॉन आर equals टू माइनस के डी टी कर दो फिर इंटीग्रेट इंटीग्रेट करोगे डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन आर डी एक्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या, क्या होता है एल एन एक्स डी वाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन वाई डी जेड बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन जेड तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होगा एल एन यानी लॉग आर लॉग आर होगा माइनस के टी प्लस सी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो कब फाइंड आउट करते हो जीरो टाइम पे यानी इनिशियली तो फाइंड सी एट टी इज इक्वल टू जीरो पे जब तुम फाइंड करोगे तो जब टी जीरो आएगा तो आपकी जो कंसेंट्रेशन आर है वो आर नॉट हो जाएगी इसका मतलब सी की वैल्यू हो जाएगी एल एन आर नॉट ठीक है एल एन आर नॉट अब यही वैल्यू आपने क्या करनी है पुट कर देनी आगे जगह आर नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका मतलब माइनस के टी को उधर ले जाती हूं तो जाएगा के टी इज इक्वल्स टू एल एन आर नॉट माइनस एल एन आर ठीक है तो के इज इक्वल्स टू एल एन क्योंकि तुम्हें तो ये प्रॉपर्टी पता नहीं लॉग की लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्व टू लॉग एम अपॉन एन तो, तो एल एन आर नॉट है ना अपॉन आर और इधर वन अपॉन टी ठीक है और अब जब तुम लॉग बेस ई को लॉग बेस टेन में कन्वर्ट करते हो तो क्या लिखते हो तुम लिखते हो वैल्यू so, हमारे पास आ चुकी है एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रहा एक्सप्रेशन जहां के की वैल्यू आती है के इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी टू पॉइंट थ्री डबल जीरो हो गया 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन ये कहता है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसेंट्रेशन आर नॉट को फाइनल कंसेंट्रेशन आर होने में टी टाइम लगता है अगर उसका रेट कांस्टेंट के है तो टी टाइम लगता है अगर उसका रेट कांस्टेंट के है तो तो अब जरा इस इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को एनसीईआरटी का वो कह रहा है कि ये एक रिएक्शन आपको दी हुई ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो खुद से बता रहा है देखो अंडरलाइन करेंगे कि क्या क्या बात वो कह रहा है वो कह लॉग आर नॉट आर इसका वो कह इनिशियल कंसेंट्रेशन ये था ये आर नॉट की वैल्यू ये थी फिर कंसेंट्रेशन साठ मिनट के बाद ये हो गया तो के की वैल्यू निकालो इससे आसान सवाल कोई हो सकता है बोला

वैल्यूज पुट करनी आ गई ओके okay. कुछ लोगों को ना अपना भविष्य नहीं बनाना है ना जिंदगी में बैठे वो पंचायती वाले लोग नहीं होते हैं कि बस ना वो वैसा ये ऐसा वो वैसा ये ऐसा वो वैसा बस इनका जीवन में कुछ नहीं हो सकता ये सिर्फ दूसरों पे ही कमेंट्री करने के लिए मतलब इस धरती पे आए हैं ठीक है इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है ये सिर्फ फीडबैक देते हैं फीडबैक गिवर्स right, चलो आगे बढ़ते हैं इसको देखो द फॉलोइंग डेटा वर ऑप्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोज़िशन ऑफ एन टू ओ फाइव एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारा फीडबैक दें ठीक है दूसरों का फीडबैक देने के लिए धरती पे जन्म नहीं लिया तुमने ठीक है फॉलोइंग डेटा वर ऑप्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एन टू फाइव एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम बेटा ये प्रेशर वाले क्वेश्चन है कुछ शॉर्टकट बताया था पानी पी लू जरा थैंक यू विजय यादव थैंक यू सो मच हम्म शॉर्टकट याद है सबको मैम आपकी सीबीएसई फाइनल आप सीरीज बहुत अच्छी थी बस उसके लिए थैंक यू बोलने आया था माय प्लेजर प्रोग्रामर कोडर नाम बड़ा खतरनाक है तुम्हारा तो देखो इसमें क्या करना है अरे तुम लोग चिंता नहीं करो ऐसे लोगों का मेरे पे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा टू एन टू ओ फोर मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरे साथ बहुत अच्छा बच्चा जुड़ा हुआ है और वो मुझसे बहुत ज्यादा अटैच है वो मैं देख चुकी हूँ ठीक है और उन बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूँगी ठीक है अब आजू बाजू में कोई क्या बोल रहा है अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है मैं तुम्हारी हूँ तुम लोग मेरे हो खत्म टू एन टू ओ फाइव एन टू ओ फोर प्लस ओ टू बना रहा है सर इसकी स्टोरी देखो इसका इनिशियल प्रेशर था क्या पी आई क्या इनिशियल प्रेशर था पी आई ठीक है ये क्या था जीरो जीरो अब इसका तरीका क्या होता है देखो पी में से अगर तुम टू एक्स माइनस करते हो ये ध्यान से करना थोड़ा सा क्योंकि हमको ना इसमें एक अलग टाइप का तरीका जो है वो वो देखना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन रिफ्रेशर से करोगे ना तो वो डेढ़ डेढ़ पेज दो दो पेज भर देते हैं एंड मेरे पास ऐसा टेक्निक है जिससे ये हम बहुत छोटे में कर देते हैं इन क्वेश्चन को तो वो टेक्निक समझो मैं तुम्हें तीन चार मिनट रुकूंगी हालांकि मेरी प्लस की क्लास है थ्री पे तो तीन चार मिनट लगाऊंगी समझाने में ध्यान से समझना और समझ नहीं आए तो वीडियो को पीछे करके समझना इस तरीके के प्रेशर बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप आपका होता है कि के इज इक्वल्स टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन पी आई माइनस एक्स सबसे पहले तो आप ये लिख लो फिर X को टोटल और इनिशियल प्रेशर की टर्म्स में आपको क्या करना है आपको एक इक्वेशन बनानी है ठीक है इक्वेशन बनानी है कैसे बनानी है पी आई जीरो जीरो Pi में से टू एक्स गया तो यहाँ टू एक्स बना और इधर क्या बना इधर एक्स बना ठीक है अब क्या करते हैं बेटू पी टोटल कैसे निकालते हैं टोटल इज टू ठीक है से कैंसिल हो जाएगा तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी इनिशियल प्लस एक्स है ना तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटू पी टोटल माइनस पी इनिशियल ठीक है एक्स की वैल्यू पी टोटल माइनस पी इनिशियल ऑल राइट पी टोटल माइनस पी इनिशियल तो अब हमें ये पता लग गया कि एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी तो जरा देखो कि हंड्रेड सेकेंड्स पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है हंड्रेड सेकेंड्स पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है इसको इधर सॉल्व करते हैं हम हंड्रेड सेकेंड्स पे एट हंड्रेड सेकेंड्स x की वैल्यू आएगी टोटल प्रेशर है 0.512 ये टोटल प्रेशर है 100 सेकंड्स का टोटल प्रेशर आफ्टर 100 सेकंड्स 0.512 और

इसको सॉल्व कर लेना इज इट अंडरस्टूड इज इट अंडरस्टूड हाँ कौशल सही बात है बेटा इज इट अंडरस्टूड टू एवरी वन थैंक यू श्रेया पटेल बिटू कभी कभी बच्चे भी टीचर को सिखाते हैं और देखो कौशल मुझे जिकार रहा है ठीक <laughs> है बेटा मैं ध्यान रखूंगी मैं तो तुमसे बात करने आती हूँ बेटा कमेंट सेक्शन में थैंक यू रिया मेरे को अपने बच्चों पे इतना विश्वास है कि कोई स्पैमर आएगा ना तो ये उसको उससे भी ज़्यादा स्पैम करके भगा सकते हैं तो इसलिए मेरे को अब टेंशन नहीं थी पहले मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी अपनी होती है। मेरे पावर मेरे बच्चे हैं ओके okay, चलो बढ़ते हैं आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा एक चीज और ध्यान रखना जितने भी नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ना वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन

से के की सारे फ्रेंड्स पढ़ते हैं रिया के सारे फ्रेंड्स को हाय आंसर निकालो जल्दी जल्दी अच्छा ठीक है अंश ठीक है बेटा जल्दी जल्दी करो बेटा मेरे को पंद्रह मिनट के अंदर वाइंड अप करना है यार टाइम भग रहा है जल्दी जल्दी इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स रियक्टन फिफ्टी क्विकली करना रिया मैं आती तो इसी टाइम लाइव हूं बट डेज मेरे फिक्स नहीं है क्योंकि मैं अब मोस्टली अनअकैडमी जेई पे काम करती हूँ तो इसलिए यहां कम आ पाती हूँ

और लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है वो कह रहा रहे हैं तो परसेंटोज हो गया है परसेंट की टर्म्स में हमेशा इनिशियल 100 डालते हैं फ्रैक्शंस की बात करें तो हमेशा इनिशियल 1 डालते हैं अगर वो परसेंट बोलेगा तो हमेशा इनिशियल 100 डलेगी अगर वो फ्रैक्शन में देगा तो हमेशा इनिशियल वन लग लेगी ठीक है तो हंड्रेड हो गया हंड्रेड अपन पच्चीस परसेंट डिकम्पोज हो गया तो सेवेंटी बचा ठीक है तो लॉग फोर बाय लॉग थ्री है ना लॉग फोर बात लॉग फोर माइनस लॉग थ्री हो जाएगा इसे क्वेश्चन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन फिफ्टी लॉग फोर कितना है जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू जीरो सिक्स जीरो टू जीरो

पहले स्टेप से वो के निकलवाएगा और क्योंकि के कांस्टेंट होता है नेक्स्ट स्टेप में के डलवाएगा जब भी वो दोनों बात करें ना कि 20 मिनट में इतना डिकम्पोज होता है तो 75 परसेंट कितने में डिकम्पोज होगा ही ऑलवेज वांट्स यू टू फाइंड आउट के ठीक है तो के कैसे निकालेंगे पार्ट वन से के इज इक्वल टू मिनट लग रहे हैं किस कितना डिकम्पोजिशन में पच्चीस परसेंट में यानी कि हंड्रेड बच रहा है से तुम आउट कर लो और अब t निकालो के कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेवेंटी फाइव परसेंट खत्म होने में कितनी देर लगेगी तो हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव ठीक है यानी कि लॉग फोर के की वैल्यू बस इधर से डालनी है ठीक है तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा लैग आ रहा है क्या आई थिंक लैग आया था अब तो नहीं आ रहा ना चलो ठीक है ठीक है फिर कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू करते हैं चलिए नेक्स्ट आ रहे बेटा हाफ ऑर्डर रिएक्शन हाफ ऑर्डर हाफ ऑर्डर सॉरी हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन अब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन क्या होता है हाँ दो मिनट तक लगातार लैग आया मुझे लग ही रहा था ठीक है एनी चलो कोई बात नहीं हाफ लाइफ क्या होता है वो सुनिएगा हाफ लाइफ वो टाइम इंटरवल होता है जिसके अंदर कोई भी रिएक्टेंट अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा रह जाए कोई भी रिएक्टेंट अगर अपनी इनिशियल कंसेंट्रेशन का आधा रह जाता है तो उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं हाफ लाइफ मैं पिज्जा खा रही हूँ मैंने आधा कितनी देर में खा लिया हाफ लाइफ मैं मैगी खा रही हूँ मैंने आधी कितनी देर में खा ली हाफ लाइफ ऑफ मैगी ऑफ पिज्जा वैसे मैगी की हाफ लाइफ नहीं होती हमारे लिए मैगी की फुल लाइफ होती है हम पूरी घटक जाते हैं एक बार में ठीक है तो हाफ लाइफ क्या चीज होती है इट इज दैट टाइम इंटरवल जिसमें कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसेंट्रेशन से आधा रह जाए निकालने का तरीका सबसे पहले ध्यान रखिए कि हाफ लाइफ के टाइम पे फाइनल कंसेंट्रेशन इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी होती है ठीक है तो बस आपको आर की वैल्यू पुट करनी है आर नॉट

जीरो ऑर्डर का हमने के वाला फॉर्मला यूज किया है ना तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ जो होती है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मतलब जैसे जैसे इनिशियल कंसेंट्रेशन घटती है हाफ लाइफ भी घटती है सौ को पचास होने में जितनी देर लगी पचास को पच्चीस होने में उससे कम देर लगेगी पच्चीस को साढ़े बारह होने में और कम देर लगेगी साढ़े बारह को सवा अच्छी होने में और कम देर लगेगी क्योंकि हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो मैं ये बोलूंगी कि हाफ लाइफ के समय पर बची हुई कंसेंट्रेशनि इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी रह जाती है तो मैं आर की वैल्यू आर नॉट बास टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाय आर नॉट बाय टू आर नॉट से आर नॉट कैंसिल हो गया ठीक है क्या आ जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग टू और टी की जगह कर दो टी हाफ ठीक है तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाती है टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2 लॉग 2, 2 क्या होता है 0.30 तो मल्टीप्लाई कर दो इसको तो टी हाफ की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन के इसका मतलब इस टी हाफ के एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसेंट्रेशन तो आई ही नहीं टी आफ के एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसेंट्रेशन तो आई ही नहीं इसका मतलब कि तुम एक ग्राम से शुरू करो वही रिएक्शन में सौ किलो से शुरू करूंगी तुम्हारे जितनी देर में तुम्हारा एक ग्राम आधा ग्राम होगा उतनी ही देर में मेरे एक किलो रिएक्टेंट जो है वो आधा आद, मतलब आधा किलो रह जाएगा और दस किलो जो है वो

टाइम टाइम चलेगा, फर्स्ट रिएक्शन, खत्म होगी, रिड्यूस होता चले जाएगा, हर बार इसको आधे होने में और कम समय फाउंड तो टू जल्दी से, जल्दी से. मतलब इसको प्रैक्टिस कर लो वैसे बहुत सी सिंपल ही चीज है कुछ भी नहीं है टी हाफ का फॉर्मूला है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के uh, तो जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के की वैल्यू कितनी है फाइव पॉइंट फाइव इंटू टेन की पार माइनस फोर्टीन ठीक है टी हाफ मतलब के सेकंड इनवर्स में है तो टी हाफ सेकंड्स में आएगा इसको सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा ठीक है चलो अब ये देखो शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा ये बहुत कॉमनली बोर्ड्स में पूछे जाने वाला सवाल है ठीक है तो इसको मैं टाइम रिक्वायर्ड की टर्म्स में आपको एक्सप्रेशन बनाना है वो कह रहे हैं साबित करो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम लगता है वो दस गुना होता है टी हाफ के करते नाइन पॉइंट परसेंट खत्म होने में जितना समय लगता है वो टी हाफ के करते टेन टाइम्स है तो हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट टी 99.9 परसेंट ये क्या होगा इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी थी 100। और क्योंकि 99.9 नाइन खत्म हो चुका है तो बच्ची कितनी है पॉइंट इक्वेशन नंबर वन ठीक है वो टाइम के लिए बनवाना चाह रहा है ना टी हाफ. टी हाफ प्रूव पे तो पचास बचते हैं ठीक है थीके? इसको कर दो डिवाइड इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से डिवाइड कर दो ये पूरा कट जाएगा ये पूरा कट जाएगा क्या निकल के आएगा लॉग थाउजेंड अपॉन लॉग टू ठीक है तो ये हो जाएगा लॉक थाउजेंड थ्री होता है और लॉक टू पॉइंट थ्री होता है इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा टेन के तो हैंस इट इज प्रूफ ठीक है इट इज अब ये तुम्हें कई तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं ना तो उसमें बस तुमको टाइम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनानी काटा काटापेटी करना है और प्रूव हो जाएगा नेक्स्ट है आपके इंडेक्स क्वेश्चन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज रेट कांस्टेंट इतना मैं इक्वेशंस बना के दिखा रही हूँ अगर आप फटाफट स्पीड से इसके आंसर्स निकालें तो मुझे चार्टॉक्स में बताएं मैं इक्वेशन बना के आपको दिखाऊंगी ध्रुविका राजपुरोहित फिलहाल ट्वेल्थ प्लस जेई का कॉम्बिनेशन में ऑर्गेनिक में ले रही हूँ अन अकेडमी जेई गोल पे स्पेशल क्लासेस में एम बी लाइव से ये क्लासेज ओपन हो जाए हैं पाँच क्लासेस एक एक घंटे की हो चुकी हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी रिकॉर्डेड छठी क्लास कल शाम को छः से सात है जेई गोल में द क्लासेज आर एप्सोल्यूटली फ्री यू जस्ट हैव टू डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप सिलेक्ट योर गोल अन अकेडमी जेई एंड देन ओपन करो मैं उसमें बोर्ड्स प्लस जेई का ही कोर्स ले रही हूँ ऑर्गेनिक का दृष्टि बेटा हां जी मैं इक्वेशन बना के दिखाती हूं आंसर तो आप ही नहीं निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रियक्शन हाउ लॉन्ग टाइम पूछ रहा है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन

ओके okay. बढ़ते हैं आगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर बेटा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जो कि एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है लेकिन उनको हम कुछ ऐसी कंडीशन दे देते हैं कि वो फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करने लगती हैं अब ये कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के साथ तो देखो ये ए पे भी डिपेंड कर रहा है इसका रेट और बी पे भी डिपेंड कर रहा है लेकिन अगर तुम ए बाल्टी भर के ले लोगे यानी कि बहुत सारा ले लोगे तो बहुत सारा ए लेने पर क्या होगा आपका जो रेट है वो ए की कंसनट्रेशन चेंज का इंडिपेंडेंट हो जाएगा सपोज करो तुम बाल्टी भर के ए ले रहे हो उसमें चार बूंदे बी की टपका रहे हो तो उसके इसमें वो जो पूरा रिएक्शन है वो बी की ही कंसनट्रेशन चेंज पर डिपेंडेंट है क्योंकि A

बिगड़ा ही नहीं तो जिसको आप लार्ज एक्सेस में लेते हो उसकी कंसेंट्रेशन में तो कोई चेंज आता ही नहीं है तो कंसेंट्रेशन चेंज का रेट पे भी कोई इंपैक्ट आता ही नहीं है तो वन ऑफ द रिएक्टेंट अगर आप लार्ज एक्सेस में ले लो तो हायर ऑर्डर रिएक्शंस भी फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करने लगती है लेकिन झूठी फर्स्ट ऑर्डर और इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर डेफिनेशन याद करना एग्जाम्पल याद करना नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रिएक्टेंट रेट ये एच ओ एल क्या होता है भाई तुम्हारी ये शॉर्टकट मेरे समझ में नहीं आती है हाँ समुन्दर से एक बाल्टी पानी निकाल लिया यस yes. तो समुद्र के पिताजी को क्या फर्क पड़ेगा अगर एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो तो इसीलिए उसमें तो प्रैक्टिकली वो उसकी तो कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट ही रहेगी तो दिस इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ठीक है ओके okay. अब हम चैप्टर एंड करने जा रहे हैं लास्ट कंटेंट है जो हमने कंसेंटेशन का इफेक्ट डिटेल में पढ़ लिया नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू की टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ता है या टेम्परेचर का इफेक्ट तो तुम्हारे सामने क्लियर है कि यही टमाटर तुम बाहर रख दो सड़ जाएगा यही ब्रेड तुम्हारी बाहर रख दो उली लग जाएगी फंगस लग जाएगी यानी कि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो चीज़ें ज़्यादा खराब होती है एक और एग्जाम्पल गर्मी में चीज़ें कितनी तेजी से खराब होती हैं ऐसा माना जाता है कि अगर टेम्परेचर मात्र दस डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए दस डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो जो आपका रेट है वो डबल या ट्रिपल स्पीड से होने लगता है जिसको हम टेम्परेचर कोफिशियंट कहते हैं ना वॉट इज एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी के ऊपर उनको कितनी एनर्जी चाहिए जिससे वो टकराएंगे और प्रोडक्ट्स बनेगा रिएक्टेंट्स की एवरेज एनर्जी से ऊपर उनको कितनी एनर्जी चाहिए कि उतनी एनर्जी के बिना टक्कर मारोगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा दैट एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी फिर एक, एक ग्राफ आता है अपना जिसमें हम दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिएक्शन करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले यार जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे थे जैसे ही हमने टेम्परेचर टी से टी किया तो डबल कंसेंट्रेशन हो गई आपके प्रोडक्ट की ठीक है तो ऐसे क्यों हुई ऐसे क्यों हुई तो ये बहुत सिंपल बात है यार कि अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो वो सारे मोलिक्यूल्स जो जरा सी एनर्जी लैक करने की वजह से टक्कर मार के भी नहीं प्रोडक्ट में बदल रहे थे तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अगर तुम उनको काइनेटिक एनर्जी दे दोगे वाया हीटिंग इट हीट करोगे मॉलिक्यूल्स के का पास काइनेटिक एनर्जी आएगी तो सपोज करो अगर एक्टिवेशन एनर्जी 10 जूल थी तो 9.9 वाले फेल 9.8 वाले फेल 9.7 वाले फेल तो ये 9.7 9.82 9.9 वाले जो हैं ये तो बहुत माइनर उससे रह गए ना बदल नहीं पाए प्रोडक्ट में टक्कर तो इन्होंने भी दिया दस वाले से नाइन पॉइंट नाइन वाले ने क्या कम टक्कर मारी थी पॉइंट वन लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर दस डिग्री सेल्सियस किया ये सारे वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो दस के पार हो गए इनकी काइनेटिक एनर्जी इनकी एक्टिवेशन एनर्जी को इन्होंने पार कर दिया तो ये क्या होता है हमारा इसीलिए रेट ऑफ द रिएक्शन डबल या ट्रिपल हो जाती है इसके लिए अरहाइनस ने क्वेश्चन दी थी के इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी जहां ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये एक्टिवेशन एनर्जी है ये गैस कॉन्स्टेंट है और ये टेम्परेचर है ठीक है इसी को मैं लिखूंगी एल एन के Is equals to ln a minus e a. अपॉन आर टी ठीक है और इसी इक्वेशन को e के 10 में करेंगे, तो हम लिखेंगे, e इसको थ्री जीरो से मल्टीप्लाई किया, किया फिर मैंने तीनों को टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से डिवाइड कर दिया तो ये भी कट गया ये भी ये रह गया तो ये वो रह गया तो दिस इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन पूरा चैप्टर टिका हुआ चार पिलर्स पे चार पिलर्स पे चार, पिलर्स पे, चार

हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर के बदलाव करने से एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होती टेम्परेचर के बदलाव करने से मॉलिक्यूल्स को वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सकें अगर आप रोज़ सोचते हैं कि मैं वो दीवार आज कूदूंगा आज कूदूंगा लेकिन आप इतना अच्छा जंप नहीं ले पाते हैं कि आप उस दीवार को क्रॉस कर पाए तो जरा अपने पीछे बुलडॉग दौड़वा के देखिए एक जबरदस्त ब्रीड का कुत्ता आपके पीछे दौड़ा नहीं आप उससे भी ऊंची दीवार फान जाएंगे तो दीवार नीची नहीं हुई आप ही ऊंचे हुए हो ठीक है तो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलती मॉलिक्यूल्स के पास ही काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर जाते हैं क्रॉस कर जाते हैं तो यहां अगर आप टेम्परेचर बदलोगे तो रेट कांस्टेंट बदलेगा एक्टिवेशन एनर्जी सेम रहेगी तो आपका जो एक्सप्रेशन आता है चौथा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल्स टू ईए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू दिस इज योर फॉर्मूला की टेम्परेचर के वेरिएशन से रेट कॉन्स्टेंट कैसे बदलता है इसमें पांच चीजें हैं के वन है के टू है ठीक है टी वन है टी टू है टी वन है टी टू है

केमिकल कानेटिक्स इन चार फॉर्मूले बेस है उसके केमिकल कॉनेटिक्स के ठीक है इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन छह गुना हो जाती है इसका मतलब ये है कि के टू बाई के वन आपको सिक्स डालना है मतलब लॉग सिक्स से बनेगी एक वैल्यू के टू बाई केवन की वैल्यू इसने कितनी दे दी इसे सिक्स दे दी तो टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 350 फिफ्टी टू फोर हंड्रेड तो ये T1 दे दिया T2 दे दिया एक्टिवेशन ऐसी निकालनी मैंने कहा था ना पांच चीजें होती हैं उसमें से कोई चार दी होंगी एक निकालनी होगी तो टी वन दे दिया टी टू दे दिया के टू K1 के वन दे दिया ई निकल जाएगा इस इक्वेशन में ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है कोलिजन थ्योरी जो ये कहती है कि सिर्फ बेटा एनर्जी से टक्कर मार से कुछ नहीं होगा ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होनी चाहिए अगर इसीलिए जब तुम पूछते हो कि मैम टॉपर बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी है तो मैं कभी नहीं कहती कि इतने घंटे पढ़ाई करनी है। मैंने कभी किसी यूट्यूब में ये नहीं बोला आठ घंटे पढ़ ले बेटा छह घंटे पढ़ ले बेटा नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन सा बच्चा कितना फोकस्ड है या नहीं है कोई बच्चा बारह घंटा पढ़ के भी कोई आउटपुट नहीं निकाल पाता और कोई बच्चा दो घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल देता है रीजन इज हाउ मच प्रॉपरली ओरिएंटेड यू आर कितना फोकस फोकस होकर कितना ओरिएंटेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो तो एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सबसे पहले मॉलिक्यूल्स टकराएं ये जरूरी है टकराते वक्त उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से ज्यादा हो ये जरूरी है और ना केवल एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर से ज्यादा हो उनका जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो तब जाके कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल पाता है तो देर आर टू इंपॉर्टेंट बैरियर्स टक्कर मारते वक्त ये एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस करें और ओरिएंटेशन और बैरियर को भी क्रॉस करें तब जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदल पाता है तो यहाँ तीन चीजें इंपॉर्टेंट है टक्कर मार रहे हैं एक एनर्जी से ऊपर के साथ टक्कर मार रहे हैं और दूसरा ये इनका जो है ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है तो जेड इंटू पी को मिलाकर के हम क्या करते हैं यहां पे K में डाल देते हैं रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन को हम यूनिटी मान रहे हैं यहां पे रिएक्टेंट कंसेंट ये थोड़ा लास्ट का पार्ट थोड़ा जल्दी हो गया ठीक है क्योंकि मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुकी हूं यूनिटी मान रहे हैं तो रेट इज इक्वल्स टू हो जाएगा के ठीक है और के की वैल्यू आ जाएगी e. तो ये आपकी जो के की वैल्यू होती है ना ए रेस टू पावर माइनस ई ए बाई ठीक है तो वो यही से आती है ठीक है बढ़ते हैं आगे खत्म चैप्टर वन शॉट हो गया अच्छे से कंप्लीट एंड थैंक यू वे टू दृष्टि एंड मैं रिवीजन कराते जब जब मेरे पास समय होगा बेटा मैं जेई ही गोल पे अभी इन्वॉल्व हूँ वहाँ स्पेशल क्लासेस भी मैं तुम ही लोगों की ले रही हूँ तुम्हारा जो जे जे ओर नीट के बच्चे हैं वो वहाँ आ सकते हैं लेकिन मेरे पास जब जब समय होगा मैं रिविजन कराने होंगे मुझे ये याद है कि इलेक्ट्रो के का रिविजन पेंडिंग है वो मेरे को अब अगली बार जब टाइम मिलेगा मैं इलेक्ट्रो को रिवाइज करा दूंगी पर उसको किए हुए आपको टाइम हो चुका है तो जाहिर है आप इतने कम देर में उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आई नीड टू फाइंड एटलीस्ट कि मैं दो ढाई घंटे निकालूंगी तब उसका इलेक्ट्रो का वन शॉट होगा मीन मैं में मैराथन प्ले करवा देती हूँ ऑर्गेनिक में स्टार्ट करवा चुकी हूँ स्पेशल क्लासेस में बिल्कुल फ्री आप अटेंड करिए एंड इस क्यू आर कोड को स्कैन करके नोट्स बना लीजिए एक बहुत अमेजिंग चीज है अन अकेडमी ने 17 से ट्वेंटी सेकेंड तक आपको बहुत जबरदस्त ऑफर दे रहा था यानी कि 10 के बजाय 20 परसेंट ऑफ है मास्टर ब्लास्टर कोड एम लाइव यूज करने पर अगर आप ड्रॉप कर रहे हो अगर आपको मेरे से कहीं जेई में पढ़ना हो ठीक है तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यहाँ पे मैं प्लस ट्वेल्थ पढ़ा रही हूँ अकेडमी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में तो मैं ट्वेल्थ का प्लस का टेक केयर कर रही हूँ अन अकेडमी जेई गोल में मैं यलगार बैच ले रही हूँ जो कि क्लास इलेवंथ का है तो एनी वेज में इलेवन ट्वेल्थ दोनों के बच्चों को पढ़ा रही हूँ बट दो डिफरेंट गोल्स में ऑल राइट और मैं स्पेशल क्लासेज में भी पढ़ा रही हूँ ट्वेल्थ को उधर तो बच्चों चिंता नहीं करो तुम बस अगर तुम इच्छा जताओ कि मोनिका मैम से पढ़ना है मोनिका मैम तुम्हें पढ़ाने के लिए हाजिर है उसके लिए थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी कि मुझे फॉलो हर जगह करना पड़ेगा हर जगह कहाँ जैसे

सारे सब्जेक्ट मिल रहे कोई एक नहीं मिल रहा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी इंग्लिश सोशल स्टडीज कंप्यूटर साइंस विश्वास करिए इंग्लिश तक के टीचर्स जो हैं जिसको बच्चे इंग्लिश तक का क्यों बोला मैंने क्योंकि बच्चे पूरा साल इग्नोर मारते हैं इंग्लिश के भी ऐसे ऐसे टीचर्स हैं आपको वीकेंड क्लासेस मिलेंगे आपको इंग्लिश की वजह से भी परसेंटेज लूज नहीं करने देंगे प्लस पे Worksheets आपको हर सब्जेक्ट की मिलती है तो आपको एक आधे सब्जेक्ट की फीस में टोटल आपका ध्यान रखा जा रहा है ऑल वॉट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड इज कि आप रेगुलर रहे और ऑनलाइन को ऐसा धक्का नहीं माने आप, आपका शेड्यूल आपको मिल जाएगा आपका फ्रीडम है आप कौन से बैच को एनरोल करना चाहते हो टॉप मेंटर्स से आप पढ़ सकते हो आपको सिर्फ अपना एक शेड्यूल तय करना है कि इतने से इतने बजे मुझे पढ़ना है तो पेरेंट्स की पॉकेट पर एक्स्ट्रा लोड डाल बगैर आप शानदार क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकते हो ठीक है ना कहीं जाना ना कहीं आना घर पे बैठो अपना ट्रैवल टाइम ट्रैवल कॉस्ट सेव करो और अनकैनमिक सब्सक्रिप्शन लेकर आप पढ़ सकते हो ठीक है एंड बग्स बाउंड्री पे आपको कोई भी इंप्रोप्रेट कंटेंट दे रहा है वो रिपोर्ट कर सकते हो स्पेशल क्लासेस मैं ले, लेती हूँ उसमें मुझे आप फॉलो करके रखें आपको मिल जाएगा दो तरह के सब्सक्रिप्शन है अगर दोनों लेने में आप कंफर्टेबल हो तो फिर मैं आइकॉनिक सजेस्ट करूंगी क्योंकि इसमें क्या जैसे प्लस के अंदर तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से बात भी कर सकते हैं है ना तो वो बात करने का मौका आप आइकॉनिक वालों को ऑन प्रायोरिटी मिलता है अब देखो अगर मैं तुम लोग को नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सपोज रेकमेंड करूं तो नाइन मंथ्स का सब्सक्रिप्शन सेवनटीन थाउजेंड का इसमें कोड यूज करो तुम से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो तुमको साढ़े तीन हजार ऑफ मिल जाएगा अब ये कितना रिड्यूस हो गया एंड अभी आज की डेट में अगर हम किसी भी टीचर के पास जाएंगे ना मतलब पढ़ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो वो पूरे पूरे सब्जेक्ट की फीस लेगा और पूरे पूरे साल की फीस लेगा चाहे तुम चार महीने पहले जाओ चाहे छह महीने पहले जाओ कोई ये नहीं कहेगा कि ले बेटा चार महीने के लिए आए तो तेरे से पूरे साल की फीस लूंगा चार महीने

अब मैं चलती हूँ एंड लेट्स इट नहीं नहीं अश्मित दीक्षित नहीं भूलती हूँ मैं बेटा भूलती नहीं हूँ हाँ अमीनो एसिड्स की ट्रिक वाला शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी मनमीत मैं बना दूंगी डोंट बड़ी अब मेरी प्लस की क्लास लाइन है और मेरे पास क्लास चालू करने के लिए पांच मिनट है तो टाटा बाय यू ऑल लव यू ऑल बाय बाय